की जांच के लिए बीजेपी का जांच दल कैराना पहुंचा, जहां लोगों से बात कर टीम ने तथ्य जुटाए हैं। अब इन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान को भेजी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में उठा कैराना का मुद्दा विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। पलायन को मुद्दा बनाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में घर वापसी की उम्मीदें लगाए बैठी है। इसी सिलसिले में बुधवार को पलायन का सच जानने के लिए बीजेपी की 8 सदस्यीय टीम ने कैराना का दौरा किया। जांच दल की अगुवाई कर रहे विधानमंडल के नेता सुरेश खन्ना के मुताबिक बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के दावों में सच्चाई है। चिंता जताते हुए उन्होंने पलायन के आंकड़ों के बढ़ने का संकेत भी दिया। आरोप लगाया गया था, जो बात कही गई थी वो पूरी तरह से सच पाई, और जो मैं समझता हूँ कि जो सूची जारी की गई है अभी उसमें और इजाफा होगा। जो परिस्थिति यहाँ की है कि लोग, बहुत से लोग अपना मकान बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, अपनी दुकान बेचने के लिए बैठे हैं, उनको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, वो विवश हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी बेच के चले जाएं इस दहशत के माहौल से, एक घोटन के माहौल से, वहाँ घोटन महसूस कर। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता ब्रजलाल भी जांच टीम में शामिल हैं। पूर्व डीजीपी के मुताबिक पुलिस को समाजवादी पार्टी के नेता हैंडल कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, यही वजह है कि पलायन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस समय पुलिस का मनोबल, जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करती है, बिल्कुल जमीन पर आ गई है। आज 1044 बार पुलिस पिट गई है। मैं एक चीज़ बार बार मैंने चैनल्स पर कहा है कि आज स्थिति ये है कि पुलिस के जो फोर्स है, थानाध्यक्ष हैं, एसपी हैं, वो एसपी हैंडलर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए वो जो पुलिस है, थानाध्यक्ष है, वो आज एसपी के नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है समाजवादी पार्टी के नेता। बीजेपी विधायक सुरेश राणा कहते हैं कि डर और अपराध चरम पर हो तो पलायन होता है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जनता को कोरे आश्वासन से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से कैराना का मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर विषय है, और पलायन शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो समझो ये कहीं ना कहीं डर की पराकाष्ठा है, भय की पराकाष्ठा है, आतंक की पराकाष्ठा है। और पिछले 3 साल से, आज का मुद्दा नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार इस मुद्दे को मैं विधानसभा में रख रहा हूँ। 3 बार तो मैंने इस विषय को विधानसभा में उठाया। यहाँ व्यापारियों की हत्या हुई, स्टेट मिनिस्टर यहाँ आते हैं, स्टेट मिनिस्टर आकर के कहते हैं कि लगातार आपकी चिंता की जाएगी, आपको कहीं ना कहीं मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार ने आंखें बंद कर ली, कोई ध्यान व्यापारियों का नहीं किया। जल्द ही जांच टीम पार्टी के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि विकास की दौड़ में पिछड़े लोग यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं। कैराना की सच्चाई जो भी हो, लेकिन बीजेपी की जांच टीम ने इस मामले की गर्माहट और बढ़ा दी है। अविनाश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, कैराना। तो कैराना का सच क्या है? कैराना पर सियासत जारी है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कैराना। दरअसल 2017 के चुनाव में और उसको फोकस करने के लिए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, या हकीकत कुछ और है? तो बीजेपी का जांच दल भी वहां पर गया और उन्होंने अपनी पड़ताल की, उसके बाद एक रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप राज्य सरकार पर लगाए गए। हालांकि पहले ये कहा गया कि हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं, उसके बाद हिंदू शब्द को लेकर भी यूटर्न लिया गया और अब एक नई लिस्ट भी जारी की गई और लगातार उस पर सियासत हो रही है। तो कैराना में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? क्या सियासी भंवर में फंसने के बाद कैराना के हालात बदले हैं? इन सभी पहलुओं पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कैराना से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। कैराना में भड़की पलायन की आग में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। चुनावी मौसम में ही सही, नेताओं को आखिरकार पलायन को मजबूर जनता की याद आई तो सही, लेकिन पलायन के लिए बार बार रंगदारी, गुंडागर्दी, हत्या और लूट का जिक्र होने के बाद क्या कैराना के मौजूदा हालात में कुछ बदलाव हुआ है? इन्हीं हकीकत की पड़ताल करने के लिए नेशनल वॉइस संवाददाता अविनाश सिंह पहुंचे कैराना की गलियों में। कैराना का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कैराना का माहौल खराब हो गया है, जिसकी वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लचर कानून व्यवस्था की वजह से लोग दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के क्या हालात हैं ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं कैराना कोतवाली। आप देख सकते हैं कि ये कैराना कोतवाली का मेन गेट है और यहाँ पर इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं, कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी आपको दिखेगा। वैसे में खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कोतवाली का ये हाल है तो पूरे कस्बे का क्या हाल होगा। आइए अब आपको इमाम गेट पुलिस चौकी का हाल दिखाते हैं। चौकी का तारुफ कराता बोर्ड जंग खा चुका है, अंधेरे में दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आता। देखने से ऐसा लगता है जैसे सालों से चौकी बंद पड़ी हो। कैराना की एक पुलिस चौकी है इमाम गेट, आप देख सकते हैं कि पुलिस चौकी है और इसके अंदर चौकी के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, एक लाइट तक नहीं जल रही है और ना ही सामने आपको यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी दिखेगा। हालांकि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पलायन के पीछे की जो असली वजह है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ी, रंगदारी मांगी जाने लगी यहाँ के व्यापारियों से, जिसकी वजह से वो व्यापारी यहाँ से जाने को मजबूर हुए। अब आपको कैराना के मेन बाजार में उदास पड़ी रातों की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। भीड़भाड़ तो सिर्फ नाम मात्र की है, चंद ठेले वाले पेट पालने के लिए अंधेरे में उजाले की किरण संजोए देखे जा सकते हैं। ये कैराना का मुख्य बाजार है, आप देख सकते हैं कि हालांकि रात के 9 बज रहे हैं और सभी दुकानें इस वक्त बंद हो चुकी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कैराना का मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नजर नहीं आएगा, जिसे देखकर ये लगे कि जो यहाँ का प्रशासन है सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आप देख सकते हैं कि जो सामने की सड़क दिख रही है ये मेन मार्केट है कैराना का, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें भी यहाँ पर हैं और एक साल पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसी मार्केट में एक व्यापारी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। कैराना में सुरक्षा की जमीनी हकीकत को देखकर आप समझ गए होंगे कि पलायन पर सियासी जमातें कितना गंभीर हैं। ऐसे में साफ है कि सभी दलों की मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की है। अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, कैराना। तो आखिर सच क्या है कैराना का, उस पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने जांच दल भेजा, विपक्ष भी एक जांच दल भेजेगा। ऐसे में विधायक संगीत सोम का भी स्टेटमेंट आया, निर्भय यात्रा वो यहां पर करने वाले हैं, सरधना से पैदल यात्रा करेंगे वो कैराना तक। लगातार इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। कोई कह रहा है कि आखिर वहाँ अपराध बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से पलायन हुआ। कोई कह रहा है कि रोज़गार के लिए पलायन हुआ, तो कोई कह रहा है कि डर के साए में जीने के लिए मजबूर था एक वर्ग, इसलिए वहाँ से पलायन हुआ है। बार बार अनेक लिस्ट आ रही हैं, उनको झुठलाया जाता है, आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, डीएम उन आंकड़ों को कुछ और बताते हैं। दरअसल हकीकत जो है अब तक खुलकर के स्पष्ट नहीं हुई है। सीधा रुख करेंगे कैराना से, हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कैराना मामले पर सियासत लगातार जारी है, दरअसल हकीकत क्या है ये अब तक सामने नहीं आया, लेकिन बार बार जांच दल का जाना, बीजेपी ने अपना जांच दल भेजा, उन्होंने हकीकत जानने की कोशिश की, अब विपक्ष एक टीम भेज रहा है, उधर विधायक संगीत सोम वहां पर एक निर्भय यात्रा कर रहे हैं सरधना से कैराना तक। हकीकत क्या है वहां पर, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए अभी इस कस्बे को छोड़कर लोग दूसरे शहरों में गए हैं ये सच है, लेकिन अभी इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और उससे और वैसे में ये साबित होता है कि जो चुनावी साल है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है यूपी में और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। हालांकि कल बीजेपी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और एक रिपोर्ट यहाँ से भेजी गई है आलाकमान को, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो यहाँ से पलायन हुआ है कहीं ना कहीं उसके लिए यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी उसकी वजह से जो गुंडागर्दी है वो बढ़ी, लोगों से रंगदारी वसूली गई, जो यहाँ के व्यापारी थे उनसे रंगदारी वसूली गई, जिसकी वजह से वो व्यापारी वर्ग खौफ की वजह से कैराना को छोड़कर दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन अगर देखा जाए जो असल वजह है और जहाँ तक मुझे जो वजह समझ में आती है लबी, वो ये है कि जो एक लचर कानून व्यवस्था की बात कही जा रही है कहीं ना कहीं वो सच है। दूसरी तरफ रोजगार की कमी है यहाँ के लोगों में, कोई वैसा साधन नहीं है जिससे कि
जो यहाँ के लोग हैं अपना व्यापार यहाँ से ठीक से चला सके या वैसे कुछ रोजगार के साधन नहीं है, तो मजबूरन लोगों को कैराना छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ जाना पड़ता है। और जहां तक सवाल हिंदू समुदाय का है, तो सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी कैराना छोड़कर दूसरे शहरों का रुख किए और वहां जाकर वो अभी या तो अपना रोजगार कर रहे हैं या फिर कोई व्यापार कर रहे हैं। और इन सबके बीच अगर ये सब चीजें हो रही है, तो सवाल यही है कि आखिर चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अगर जो जिस पलायन की बात कही जा रही है, ये पलायन एक या दो दिनों में नहीं हुआ है, कई साल हुए, 10-12 सालों से लोग यहां से जा रहे हैं। और सवाल वही है कि चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर इस मुद्दे को हवा दी जाती है, तो जाहिर तौर पर कोई कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर 3 बजे जो जेडीयू नेता हैं, केसी त्यागी जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी पहुंचेंगे, टीएमसी के कुछ नेता पहुंचेंगे, आरजेडी के नेता पहुंचेंगे। तो एक कवायद कह सकते हैं कि कवायद चल रही है कि कौन सी पार्टी ज्यादा इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज लेती है और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। वहीं संगीत सोम की तरफ से कहा गया है, जो कि विधायक हैं, कि वो निर्भय यात्रा निकालेंगे। तो इन सब चीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो असल समस्या है, जो असल मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, मुद्दा है रोजगार का मुद्दा है। तो जो पार्टियां हैं उनको सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो असल समस्या है उस पर गौर किया जाए, ना कि इस पर राजनीति की जाए। जी निश्चित ही सभी पार्टियों के सियासी हित जुड़े हैं और 2017 में चुनाव हैं विधानसभा के, और ऐसे में सभी पार्टियां इस मुद्दे पर सियासत करने से गुरेज नहीं कर रही हैं। लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है और बड़ा किया जा रहा है। अविनाश, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने लोगों से भी बात की होगी, आपने मार्केट का भी जायजा लिया वहां पर, क्या लोग वाकई डर और खौफ के साए में जी रहे हैं? अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्योंकि 6 किलोमीटर दूर ही हरियाणा की सीमा है, क्या वहां से अपराधी एकदम फरार हो जाते हैं, यही वजह है कि वहां पर अपराध बहुत ज्यादा हो गया था? देखिए रवि, आज से कुछ साल पहले यहाँ एक गैंग हुआ करता था, उस गैंग का नाम था मुकीम गैंग। लेकिन पुलिस का दावा है कि मुकीम गैंग के जितने भी सदस्य थे और खुद जो उस गैंग का सरगना था, वो आज जेल में बंद है। तो हालांकि यह अपराध है, अपराध का जो क्राइम ग्राफ है वो ऊपर बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशासन का ये दावा है कि जो आर्थिक वजहें हैं उसकी वजह से पलायन हुआ। और जहां तक सवाल मेरा है रवि, तो आपको बताना चाहूंगा कि कल रात करीब 11 बजे तक मैं इस कस्बे में घूमता रहा, अलग अलग गलियों में जाता रहा, लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आया जैसा कि बोला जा रहा है या जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक हवा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ बातें सच हैं जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हालांकि देखिए, बीजेपी ने जो सबसे पहले बात कही थी, जब ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जो यहां के सांसद है हुकुम सिंह, उनकी तरफ से कहा गया था कि माहौल खराब होने की वजह से हिंदू परिवार यहां से पलायन किए, बाद में उन्हीं की तरफ से कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का बयान है उसमें खुद आप विरोधाभास देख सकते हैं। और जो कल टीम आई थी बीजेपी की, उस टीम की तरफ से भी कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लोग यहां से पलायन किए हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है कि राजनीति किस कदर की जा रही है इस पूरे मसले को लेकर। जो असल समस्या है उसका निपटारा कोई नहीं करना चाहता, लोगों को रोजगार देना जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, अगर ये जिम्मेदारी सरकार ने जो इससे पहले की भी जो सरकारें थी उन्होंने निभाई होती, तो शायद ये समस्या नहीं आई होती, लोग यहां से पलायन नहीं किए होते। कल आपको बताना चाहूंगा लबी की, कल यहां के जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां भी मैं गया था, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी गया था, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग यहां से गए हैं इस कस्बे को छोड़कर दूसरे शहरों में। लेकिन जो समस्या बताई जा रही है, असल में समस्या वो नहीं है, समस्या है बेरोजगारी की समस्या है, समस्या है ऑर्डर का मसला है। तो चलिए, समय कम है, बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए, इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो पलायन अब नहीं हुआ, पलायन सालों से होता रहा, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सभी सियासी पार्टियों को, सभी हुक्मरानों को आखिर अब क्यों इस मुद्दे की याद आ रही है और क्यों अब इस पर इतनी पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है, क्यों इस मुद्दे पर इतनी सियासत हो रही है, क्यों बार बार नए आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, खास पेशकश जारी है, आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। कैराना से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप, ऑपरेशन कैराना। जी हां, कैराना की बात हो रही है जिस पर सियासत लगातार जारी है। तो कैराना मामले में 2 हत्या के मामले सामने आए हैं, इस मामले की हकीकत क्या है, इस पर तो सवाल बरकरार हैं, लेकिन ये हत्याएं हुई हैं, देखिए एक रिपोर्ट। कैराना मामले पर बीजेपी सियासत कर रही है या फिर सरकार, यह अब तक साफ नहीं हो सका है।
लेकिन यहां पर दहशतगर्दी के दो मामले सामने आए हैं जिसमें रंगदारी न देने पर हत्या कर दी गई थी। कैराना में करीब दो साल पहले राजेंद्र नाम के एक लोहा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेंद्र के पिताजी महेश चंद जी मेरे साथ हैं। सर ये बताइए कि जो घटना हुई थी क्या वजह क्या थी उसके पीछे की? इसमें 10 महीने पहले रंगदारी आई थी, 10 लाख रुपए दे देंगे गोली मार देंगे, और उन्होंने जो है 5-6 महीने तो हमारे पास जो है सिक्योरिटी रही पुलिस की, जब तक तो इतना कुछ होता नहीं रहा, रोज के लेकर धमकी आती रही आगे, या तो जो है हमें 10 लाख रुपए दे दो नहीं गोली मार देंगे। महेश चंद्र का कहना है कि उनके बेटे को रंगदारी देने की एक चिट्ठी आई थी, दहशतगर्दों ने रंगदारी न मिलने पर इनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महेश चंद्र को इस सिस्टम से बेहद शिकायतें हैं। रंगदारी के चक्कर में जो है गुंडागर्दी के चक्कर में जो है सब भाग रहे। पुलिस भी तो है यहाँ पे, पुलिस कुछ नहीं करती क्या रंगदारी? पुलिस का तो कुछ नहीं रोल है जी, कोई खास रोल नहीं है, खास रोल नहीं है। अच्छा उसके बाद में फिर जो है मर्डर के बाद में जहाँ राज्य कर्मचारी आए, कितने आए, SDM आया, DM आया, कुछ नहीं, सारा लगा जो है उन्होंने घोषणा करी एक नौकरी देंगे और जो है 5-5 लाख रुपए देंगे, कुछ भी नहीं आज तक जो है कुछ सुनवाई नहीं। ठीक ऐसा ही एक वाक्या शिव कुमार का भी है जिसकी माँ का दर्द अपने बेटे की हत्या को बताते हुए आंखों से छलक आया। इन्होंने कोई नाम नहीं लिया लेकिन फिर भी इन्हें इस बात की शिकायत है कि इनकी मदद को कोई नहीं आया। यहाँ माहौल खराब हो गया, नहीं जा रहा हूँ मैं, जैसा हमारे भीतर है ऐसे सबके भीतर बन गया होगा। देखो एक कुछ आफत आया, दूसरे का पैर लिया नहीं, ये तो मान लोगे आप, बस वही कारण है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो ये बोल रहा है कि यहाँ दूसरे शहरों में लोग कमाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ है भाई, पैदल पड़े थे यहाँ, जो तो ऊपर वाले को पता है उन्हें पता, देखो हम क्या कहते हैं, ये तो तुम देखते हो गए शहर में क्या संघर्ष हो रहा, पहला रौनक और सब मिलजुल कर रहेंगे। तो किसने माहौल खराब किया? किसी ने तो खराब किया होगा माहौल। हालांकि हमारे संवाददाता ने कई लोगों से कैराना मामले पर बात करने की कोशिश की लेकिन कोई कैमरे पर जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। जो बीजेपी नेता हैं रामदास अग्रवाल और सुरेश खन्ना, उनका ये आरोप है कि जानबूझकर इस पूरे घटना को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से। साथ ही में बीजेपी का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के लिए प्रदेश की सपा सरकार जिम्मेदार है। कैमरामैन सुमित बावी के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, कैराना। जय हिंद। तो कैराना मामले को लेकर सियासतदान जमकर उछाल रहे हैं, इस मामले को सच क्या है अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ घेराबंदी और मजबूत कर दी है। कैराना मामला आगामी चुनाव के लिए सिर्फ एक मुद्दा है या फिर वहां वाकई दहशत के माहौल से डरकर लोग पलायन कर रहे हैं, इस पर सवाल बरकरार है, क्योंकि कुछ का कहना है कि लोग रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग दहशत और गुंडागर्दी को पलायन की वजह बता रहे हैं। ये बातें कुछ नहीं है, ऐसा है यहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ 2-4-10 घर को छोड़ के जिनके साथ जिनसे रंगदारी मांगी गई, ऐसा है गुंडे लोग हैं, गुंडे लोग का कोई धर्म नहीं होता, वे मुसलमान को भी लूटते हैं, हिंदू को भी लूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो है ना 5-10 घर ही ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन किया है, वरना सब रोजगार के लिए गए हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। सच जो भी हो लेकिन सियासत ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कैराना पहुंचे बीजेपी के नेताओं का दावा है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं और वो इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी हो गए हैं। सबसे पहले ये जो मुद्दा, जिस मुद्दे की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, लगभग 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा कई बार उठा है, पिछले 2 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक उसको उठा रहे हैं, तो ये कहना कि चुनावी समय है इसलिए बात हो रही है ये नितांत गलत है। नंबर 2 बात, जिस प्रकार से आप लोग भी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आउट मीडिया में जिस प्रकार से यहाँ का जिस गैंग एक्टिविटी चल रही है, जिस प्रकार से लोगों की खुलेआम मर्डर होते हैं, कुछ होता नहीं, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है, ये सबको नोन है। बीजेपी जांच टीम के नेताओं का दावा है कि जो लिस्ट सामने है वो छोटी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा इलाका खाली हो जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन करना या पलायन के बारे में आगे और रणनीति बनाकर सोचना, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति का। साथ ही बीजेपी कैराना में खौफ के माहौल के लिए
सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार विरोधियों के इस वार को यह कहकर जवाब दे रही है कि सरकार पर ये आरोप सरासर अनैतिक हैं। कुछ लोगों ने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम की। जो लोग 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, वो काम की वजह से चले गए, कुछ हमारी सरकार बनने से पहले चले गए, लेकिन आरोप ये कि समाजवादी लोगों ने, हमने उन्हें भगा दिया। मैं समझता हूँ ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, चुनाव से पहले ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मूर्तियों को दूध पिला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बदायूं की झूठी घटना को कितना बड़ा रूप दे दिया था। ये वही लोग हैं जो तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र करते हैं और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। बहरहाल कैराना मामले में कितनी सच्चाई है ये जाँच का विषय है, लेकिन सियासत अपने चरम पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो कैराना मुद्दा बीजेपी ने उठाया है, इस मामले पर बीजेपी क्या सोचती है और किस तरह सरकार को घेर रही है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कैराना पलायन में 350 परिवारों की पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने चिंगारी लगाने का काम किया और अब आग बन चुका ये मामला, आगामी चुनाव तक ये मुद्दा ज्वलंत रहेगा। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के मुताबिक गांव जहानपुर में अब एक भी हिंदू परिवार नहीं है, पहले 60 से ज्यादा हिंदू परिवार थे। पंजीट गांव से भी कई परिवार कर चुके हैं पलायन। कश्मीर की तरह कैराना से प्लान के तहत भगाए जा रहे हैं हिंदू। कैराना में रंगदारी, हत्या, लूट और मारपीट की घटनाओं की वजह से दहशत में है व्यापारी। मामले ने तूल तब पकड़ा जब कैराना जाकर बीजेपी के नेताओं की जांच टीम ने सरकार पर कई सवाल उठाए। मसलन, सरकार आखिर लोगों को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराती? कैराना के कानून व्यवस्था पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्या वाकई सरकार को कैराना में हो रहे पलायन की जानकारी नहीं, या फिर सरकार की इस मुद्दे पर ध्यान न देने की वजह सियासत है? इन सवालों के उठने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मामले में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है या फिर इसमें कोई जमीनी हकीकत भी है। कैराना का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। हालांकि शामली के डीएम की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कैराना में हो रहे पलायन को लेकर, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो रिपोर्ट सरकार के दबाव में तैयार की गई थी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जब हमने शामली के डीएम सुजीत कुमार से बात करनी चाहिए तो सुजीत कुमार ने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि सुजीत कुमार का ये कहना है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है कैराना में हुए पलायन को लेकर, वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो पूरा मामला है अब काफी गर्माता जा रहा है। सहयोगी पंकज मलिक और कैमरामैन सुमित मावी के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, कैराना। जय हिंद। तो आखिर कैराना से हिंदू क्यों कर रहे हैं पलायन, इस बात की तह तक गया नेशनल वॉइस। तो ग्राउंड जीरो से पलायन की हकीकत जानी हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। पिछले कुछ सालों में कैराना से जो पलायन हुआ है उसके पीछे की एक प्रमुख वजह ये बताई जा रही है कि कैराना का जो कानून व्यवस्था है वो काफी लचर है। बीजेपी का भी यही आरोप है कि लचर कानून व्यवस्था की वजह से गुंडागर्दी पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ी, जो क्राइम का ग्राफ है वो ऊपर गया, जो व्यापारी थे वो रंगदारी से परेशान होकर दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर गए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जब हमने शामली के एसपी विजय भूषण से बात करनी चाहिए तो विजय भूषण ने भी, जो यहाँ के एसपी हैं, उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से साफ मना कर दिया। हालांकि इससे पहले हमने जो यहाँ के डीएम थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी, उन्होंने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा मामला है अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेने लगा है। सहयोगी पंकज मलिक और कैमरामैन सुमित मावी के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, कैराना। जय हिंद। तो साफ है कि कैराना के मुद्दे पर सियासत जारी है, सभी सियासी दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कोई इस वहां पर कैराना में पाकिस्तान जैसे हालात बताने की कोशिश कर रहा है तो कोई निर्भया यात्रा निकाल रहा है, निर्भया यात्रा के जरिए इस मुद्दे को और गर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो साथ ही विपक्ष भी अब अपना जांच दल भेजने की बात कर रहा है। अभी बीजेपी के विधायकों ने वहां पर जांच दल गया और वहां से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो अभी आलाकमान को भेजी जानी है। यानी साफ है कि 2017 इलेक्शंस में यह मुद्दा